दोस्तों सामने है स्पॉटेड डियर रोज क्रॉस करते हुए, आप देख सकते हैं। दोस्तों ये जो एरिया पड़ता है दोस्तों, ये हाथी बाहुल्य क्षेत्र है जैसे कि आप देख सकते हैं, और घासें इतनी बड़ी बड़ी हो चुकी हैं यहाँ पर। यहाँ पर एलिफेंट भी अगर खड़ा हो जाए तो वो भी ना दिखाई दे, क्योंकि घासों की साइज़ बहुत ऊँचा ऊँचा है, आप देख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर कोट टाइगर टेरिटरी है, आप नेचुरल वॉइस सुनिए जंगल की आवाज़ें कैसी होती हैं। मैं कुछ देर के लिए शांत हो जाता हूँ, फिर आपको आवाज़ सुनाता हूँ दोस्तों। ये सुनिए आप, शायद दोस्तों आपको आवाज़ें आ रही होंगी। आप देख सकते हैं दोस्तों शाम का वक्त हो चुका है, और बज चुके हैं अभी शाम के 7 जैसे कि आप देख सकते हैं। और दोनों तरफ दोस्तों जंगल ही जंगल है, और अंधेरा हो चुका है बहुत विकट वाला, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कैमरे में। और बहुत जल्दी हम पहुँचने वाले हैं दोस्तों बड़े पर्वत नाले पर, जहाँ पर दोस्तों हम फंस गए थे 5-6 घंटे। दोनों तरफ रफ्तों में पानी था बहुत ज़ोरदार, और हम बीच में फंस गए थे दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पिछले ब्लॉग में जाकर भी, ये रात का दृश्य है दोस्तों। आप देख सकते हैं कोट टाइगर ट्रेटी है, कहीं से भी टाइगर और लेपर्ड दस्तक दे सकता है, हो सकता है हमारे कैमरे में कैद हो जाए। तो आप बन रहे हैं हमारे साथ कंटिन्यू। और सामने की ओर जैसे भी आप देख सकते हैं दोस्तों, यही वो जगह है जहाँ से टाइगर निकल के जाता है दूसरी साइड। मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पर बोर्ड लगा है दोस्तों, यहीं से टाइगर जाता है दोस्तों रिवर साइड। आप देख सकते हैं यही वो जगह है दोस्तों, यहाँ ये रास्ता जाता है सीधा रिवर साइड, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर पूरा हो चुका है बहुत विकट वाला अंधेरा, जैसे कि आपको दिख पा रहा होगा। और एक और टाइगर टेरिटरी है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और रात हो चुकी है काफ़ी, अब हम भी घर निकलते हैं दोस्तों, काफ़ी समय हो गया है। आप देखिए नाइट का व्यू, और आपको वो जगह भी दिखाते हैं दोस्तों जहां शाम के वक्त टाइगर और लेपर्ड पक्का 100% आता है, वो भी हम आपको जगह दिखाएंगे दोस्तों। आप बन रहे हैं हमारे साथ, और यहां पर कुछ शॉप भी है, आप यहां पर चाय वगैरह भी पी सकते हैं। दोस्तों सामने है स्पॉटेड डियर रोज क्रॉस करते हुए, आप देख सकते हैं काफ़ी सारी संख्या में है दोस्तों। यही है जंगल का जो है, कहीं से भी वाइल्ड लाइफ आ सकती है रास्ते में रात के समय, इसलिए गाड़ी धीरे चलाएं, आप देख सकते हैं। और ऐसे ही रास्ते में दोस्तों टाइगर भी आ सकता है। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। दोस्तों पहुँचने वाले हैं उस जगह जहाँ पर लेपर्ड आता है, वो भी आपको दिखाएंगे। दीपू भाई की शॉप के सामने ही शाम के वक्त कॉलिंग होती है बहुत ज़ोरदार, और यहीं पर दोस्तों हर बार यहां पर लेपर्ड के दस्तक देखे जाते हैं। देखिए दोस्तों अंधेरा हो चुका है बहुत ज़्यादा यहां पर, आप देख सकते हैं। और यही वो जगह है दोस्तों सामने, यहां पर लेपर्ड के दस्तक शाम के वक्त 100% दिखाई देते हैं। अभी फ़िलहाल कोई ऐसा मोमेंट नहीं है, अगर होगा तो आपको हम कैप्चर कराएंगे। और साथ सामने की तरफ देखें दोस्तों डॉगी, आप देख सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूं। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो इस ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।